हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव। सो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली राउटिंग क्या होता है। अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने देखे कि प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या था, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या था, उसके बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लिया। लेकिन अभी के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स, मतलब जो कि हमारा कोर्स का मेन टॉपिक है, राउटिंग एंड द स्विचिंग। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले राउटिंग। तो राउटिंग में कंप्लीट में बताऊंगा थियोरेटिकल प्रैक्टिकल। सो लाइक अभी काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी ओनली थियोरेटिकल नहीं रहेगा, थियोरेटी प्लस प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। तो मतलब सीखने में और थोड़ा बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ राउटिंग, राउटिंग एग्जैक्टली क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा है वो पढ़ के बताऊँगा, और उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि राउटिंग क्या होता है, ठीक है। आईपी राउटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग पैकेट्स फ्रॉम अ होस्ट ऑन वन नेटवर्क टू द अनदर होस्ट ऑन अ डिफरेंट रिमोट नेटवर्क, ओके। दिस प्रोसेस इज यूजली डन बाय राउटर्स एग्जामिन द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ द पैकेट, डिटरमाइन द नेक्स्ट हॉप एड्रेस एंड फॉरवर्ड द पैकेट, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा राउटिंग एग्जैक्टली क्या होता है। जस्ट कंसिडर करते हैं कि मेरे पास दो राउटर है। मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। इमेजिन कि मेरे पास दो राउटर है, ये है मेरा राउटर वन और ये है मेरा राउटर टू। राउटर वन एंड राउटर टू का एक खुद का नेटवर्क है, जस्ट कंसिडर करते हैं, जस्ट कंसिडर करते हैं उसका एक नेटवर्क है। यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है और यहाँ पे दो यूज़र कनेक्टेड है। तो ये एक मेरा फर्स्ट यूज़र है और ये मेरा सेकंड यूज़र है। सेम एज यहाँ पे अनदर एक स्विच कनेक्टेड है और सेम एज यहाँ पे भी मेरे दो यूज़र्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। जब तक मैं बेसिक आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड करता था राउटर के इंटरफेसेस के ऊपर, ओके, और उसके बाद में जो भी मेरे यूज़र पीसी है उसको मैं जब तक बेसिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता था तब तक तो ठीक था। लेकिन जब मैं इस राउटर से ये जो पर्टिकुलर टू यूज़र्स दिख रहे हैं जो कि डिफरेंट नेटवर्क में बैठे हुए हैं, जस्ट कंसिडर करते हैं यहाँ पे मैं जो नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ 10.0.0.0, ये नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 10.0.0.0, ये एक डिफरेंट नेटवर्क है। दोनों नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे जस्ट कंसिडर करते हैं कि मैं एक 192 का नेटवर्क ले रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। सो मेरा राउटर का रीचेबिलिटी यहाँ तक है और इस राउटर का रीचेबिलिटी यहाँ तक है। अभी सिचुएशन ये होती है, मुझे R1 राउटर जो कि मेरा राउटर R1 है उससे मुझे इस पर्टिकुलर यूज़र को पिंग करना है, इस पर्टिकुलर यूज़र को रीच करना है। सो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था बिकॉज हमारे पास उस टाइम राउटिंग जैसा कंसेप्ट नहीं था। हम लोग तो पॉइंट टू पॉइंट आईपी एड्रेस पिंग कर सकते थे, लेकिन अगर हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के आईपी एड्रेस को पिंग करना है तो वो पॉसिबल नहीं होता था, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। सो इस सिचुएशन में आ गया मार्केट में राउटिंग, ठीक है। सो राउटिंग क्या करता है, अगर मेरे पास वेन टू और मोर नेट डिफरेंट नेटवर्क्स, अगर हमारे पास दो और दो से ज़्यादा नेटवर्क होते हैं, अगर हम उन नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में हमें राउटिंग का यूज़ करना पड़ता है। सो राउटिंग कितने टाइप्स की होती है और किस तरीके से होती है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि राउटिंग कितने टाइप्स की होती है। अगर मैं राउटिंग की बात करता हूँ तो राउटिंग तीन टाइप्स की होती है। एक होता है स्टैटिक राउटिंग, डिफ़ॉल्ट राउटिंग और लास्ट में होता है डायनेमिक राउटिंग, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक टेबल अटैच किया है, तो इस टेबल में आपको इतना कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ कि डायनेमिक राउटिंग यहाँ पे ओनली इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है। अगर मैं राउटिंग की बात करता हूँ तो राउटिंग हमेशा तीन टाइप की होती है। एक होता है स्टैटिक राउटिंग जिसको हम लोगों को मैन्युअली करना पड़ता है। एक होता है डिफ़ॉल्ट राउटिंग जो कि ये सेम मैन्युअली होते हैं बट इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट राउट के फंक्शन होते हैं जो कि कुछ लोग उसको स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैं उसको डिफ़ॉल्ट राउटिंग बोलता हूँ। और थर्ड वन इज़ द डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर दो टाइप के प्रोटोकॉल आते हैं जो यहाँ पे मेंशन किया है, IGP इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, EGP एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है।
यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग सबसे पहले ये हम लोगों को मैन्युअली करना पड़ता है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग होता है ऑटोमेटिकली, बट इट्स नॉट अ फुल्ली ऑटोमेटिकली, हमें इसमें भी थोड़ा बहुत कॉन्फ्यूजन करना पड़ता है। जब मैं प्रैक्टिकल और कंसेप्ट बताऊंगा तब आपको डिटेल में समझ में आ ही जाएगा। थर्ड वन इज द डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में दो प्रोटोकॉल जैसे कि मैंने बताया IGP एंड EGP होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हमें IGP राउटिंग प्रोटोकॉल दिख रहा है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, इसके अंदर भी तीन टाइप्स के राउटिंग प्रोटोकॉल को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, सेकंड वन इज़ अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, एंड थर्ड वन इज़ अ हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, ओके। लेकिन अगर आप टोपोलॉजी जो ये डायग्राम है उसको ध्यान से देखते हो तो इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में ओनली डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल ही दिया है, इन्होंने हाइब्रिड का मेंशन ही नहीं किया है जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल कुछ डिफरेंट है, किस तरीके से होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अभी इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। इन फ्यूचर जो प्रैक्टिकल आएगा ERGRP इज हाइब्रिड प्रोटोकॉल, उसके अंदर आपको डिटेल में पता चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल और हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल तो है ही, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करता हूँ तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जिस राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ होता है वो होता है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 एंड द वर्जन 2, एज वेल एज इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल IGRP, और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है ERGRP, ठीक है। अभी काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि ये तो इमेज गलत है, ERGRP इज हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर मैं उन लोगों को फिर से एक बार याद दिलाऊं तो ERGRP हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है, दैट इज़ करेक्ट, बट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। कुछ बुक्स में उन्होंने मेंशन किया है एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, शायद उन्होंने यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर, अगर मैं सोचता हूँ तो मैं यहाँ पे और एक टैब ऐड करना चाहिए था, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, और उसके अंदर मुझे ERGRP को ऐड करना था, ठीक है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन ना रखो। अभी ERGRP ये प्रोटोकॉल है उसको हाइब्रिड क्या बोल हाइब्रिड क्यों बोलते हैं, ठीक है। हाइब्रिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की भी होता है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का भी होता है। मतलब कुछ फीचर्स डिस्टेंस वेक्टर के, कुछ फीचर्स लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के, जिसके वजह से ERGRP इस प्रोटोकॉल को हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग लास्ट में बात करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर जिस प्रोटोकॉल का समावेश होता है वो होता है इंटर ISIS, और सेकंड वन इज़ अ OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। OSPF इज़ अ वेरी बिग प्रोटोकॉल एज वेल एज द ISIS प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग CCNA लेवल की बात करते हैं तो CCNA लेवल में राउटिंग इन्फॉर्मेशन वर्जन 1 IGRP, राउटिंग इन्फॉर्मेशन वर्जन 2 ERGRP, ISIS एंड द OSPF इस प्रोटोकॉल का समावेश किया गया है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी रही बात, हमें यहाँ पे दिखता है एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल के अंदर ओनली BGP ये राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क करता है। ये जो प्रोटोकॉल होता है मोस्टली अप्लीकेशन लेयर पे ही वर्क करता है, ठीक है। अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछता है BGP इस राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि कौन से लेयर पे वर्क करता है, तो आपको बताना है BGP राउटिंग प्रोटोकॉल हमेशा एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, काफ़ी सारे लोग इसमें गड़बड़ा जाते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं कि ये नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, BGP हमेशा एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, ओके। उसके बाद आते हैं राउटिंग वर्जन, राउटिंग इन्फॉर्मेशन वर्जन 1 वर्जन 2, ये हमेशा प्रोटोकॉल राउटर के ऊपर वर्क करते हैं जो कि होता है लेयर 3, सेम एज ERGRP प्रोटोकॉल, ISIS एंड द OSPF प्रोटोकॉल, ये सब के सब लेयर 3 के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पाथ वेक्टर, ठीक है। पाथ वेक्टर BGP इज अ पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल, ठीक है। BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ये मोस्टली BGP का कंसेप्ट हम लोग CCNA में पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर मेरे कुछ प्लान्स है CCNP राउटिंग स्विचिंग के प्रैक्टिकल्स वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड करने का, तो उस सिचुएशन में आपको प्रोटोकॉल डिटेल में पता चलेगा कि BGP प्रोटोकॉल क्या है, किस तरीके से वर्क कर सकते हैं हम लोग उसके ऊपर। और ये बहुत ज़्यादा वास्ट प्रोटोकॉल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, बिकॉज मार्केट में अभी भी 90% कंपनीज
जो सर्विस प्रोवाइडर, मैं ISP कंपनीज की बात कर रहा हूँ, उनका मोस्टली डिपेंडेंसी रहता है MPLS एज वेल एज द BGP प्रोटोकॉल। अगर आपको ISP कंपनी के साथ काम करना है तो आपको BGP और MPLS प्रोटोकॉल आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि BGP इज़ वेरी वास्ट प्रोटोकॉल एज वेल एज MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। ये दो प्रोटोकॉल आपको आना ही चाहिए। अगर आपको IGP प्रोटोकॉल, लाइक मीन्स मैं इस प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ, IGP प्रोटोकॉल जिसके अंदर ये बाकी के जितने भी प्रोटोकॉल आपको दिख रहे हैं सबका समावेश होता है, अगर ये प्रोटोकॉल आपको प्रॉपर रूप से नहीं आता है तो आप BGP के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा मत करो कि आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करो और आप डायरेक्ट BGP पढ़ना स्टार्ट करो, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे, ओके। हमेशा आपको IGP प्रोटोकॉल आना चाहिए, उसके बाद ही आप BGP पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो बात किया वो था राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से टाइप्स के हैं, ठीक है। अभी सम सेम थिंग्स, अभी क्या होता है कि अगर हम लोगों को राउटिंग प्रोटोकॉल तो पता चली गई इस सेशन में, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा एक 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 प्रोटोकॉल लेके मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, किस तरीके का उसका कॉन्फ़िगरेशन है, क्या फीचर्स है जिसकी वजह से हम लोग स्टैटिक राउटिंग को डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ फार्मूलाज भी है तो मैं फार्मूलाज के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, और उसका इम्प्लीमेंटेशन स्विच के ऊपर या राउटर के ऊपर किस तरीके से करते हैं उसके बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही हम लोग एक 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 प्रोटोकॉल का थियोरी प्लस प्रैक्टिकल कवर करते जाएंगे और हम लोग ये सेशन फिनिश कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसके अंदर मैं बताऊँगा स्टैटिक राउटिंग के बारे में। बाय बाय, टेक केयर।